हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इरम होममेड किचन। आज हम बनाएंगे चिकन की बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, चिकन शैलो फ्राई। ये घर में बहुत आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही मज़े की होती है। आप इसे डिनर या फिर स्टार्टर में सर्व कर सकते हैं। इससे पहले हम अपना वीडियो शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएँ ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप तक आते रहें। चलिए तो देखते हैं ये चिकन शैलो फ्राई कैसे बनता है। यहाँ मैंने 800 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है, जिसे मैंने बीच में से स्लाइस करके पतला कर लिया है। अगर आप इसे स्लाइस नहीं करना चाहते हैं तो आप मीट टेंडराइज़र से इसे बीट करके पतला कर सकते हैं। इसके बाद मैं इन पीसेस पे बीच में कट लगाऊंगी ताकि मैरिनेशन अच्छे से इनमें जा सके। मैरिनेशन के लिए हम एक बोल में 1 कप दही लेंगे, जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 नींबू, 1/2 ढक्कन सोया सॉस डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस मैरिनेशन को अपने चिकन पीसेस पे अच्छी तरह से चारों तरफ से लगा देंगे। अब हम एक मिक्सी जार में 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे और थोड़ा हरा धनिया लेके उसे पीस कर हम इस मैरिनेशन के साथ ऊपर इस पर लगा देंगे, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और इसको हम लगभग 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, जिसमें हम अपने ये चिकन के मैरिनेटेड पीसेस तलने रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। हम इसे अच्छे से दोनों तरफ से पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। अब जरा से एक लॉट हमारा तैयार हो चुका है, अब हम उसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बाकी बचे हुए पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। लंबा लंबा काट के एक विंग बना
यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और पेपर स्प्रिंकल कर लेंगे। साथ ही साथ हम अपना चिकन भी चेक करते जाएंगे कि कितना पक चुका है और उसको उलट पलट करते रहेंगे। देखिए ऑलमोस्ट रेडी है। चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और सब्जियां भी सौते हो गई हैं। चलिए अब जल्दी से सर्व कर लेते हैं क्योंकि डाइनिंग टेबल पर लोगों से वेट।